फिलहाल जिस सानिया कत्ल मामले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनकी नानी, जो ये एक अहम कड़ी रही है इस वारदात के जो मंजर आम पर लाने के लिए। सबसे पहले बताइए कि आप जब वहाँ गई तो आपने क्या देखा और आपको कैसे महसूस हुआ कि हाँ ये मामला कुछ गड़बड़ है? आपको कैसे लगा कि आप बेलगाम से आप वहाँ मुंबई गए? मुझे तो मैं एक सालसी से फ़ोन लगा ली थी, वो फ़ोन उठाता नहीं, कट करता है फ़ोन, कब भी लगाए तब कट करता है। तो बाद में इसके नंदई को भी एक बार फ़ोन लगी मैं, वो भी कट करने लगा, हम ना मालूम नहीं पता नहीं, हम इनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ऐसा बोलने लगा। तो फिर क्या हुआ देखना बच्ची को, अभी जाके मिले तो अच्छा लगता है, यहाँ रोको फोन ना करे तो नहीं होने ला। कल को मैं गई, जाना मेरा दिल हुआ, गई मैं, गए तो हमें चार जने गए, मेरे दो दामाद मैं, मेरे को चार जने, मेरी बेटी, चार जने में बम्बई गए। गए बाद में वैसे ही के घर के पास गए, कहे तूने शादी हुई से दो महीने के बाद में भी गई थी उधर मिलने को, मुझे वो घर मालूम था, मैं वहाँ गई, जाकर वहाँ ढूंढे तो कौन भी उनका पता नहीं करने लगे, इधर कौन नहीं करके बोले, फोटो दिखाई तो भी नहीं करके। बाद में एक वॉचमैन को बोले मैं ऐसा ऐसा जरा बताओ, और हमें इधर आई और उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे हमारा, कहने वॉचमैन फ़ोन लगाया, तेरे मेहमान आए तो इधर आके ले जा, पानी भी छोड़ना है। मैं कौन मेहमान पूछा, तो नाम बताने के बाद में नहीं मैं राजा हूँ करके बोला, ऐसा बोला। बोलने के बाद में सर उन्हें क्या बोले, तुम्हें ठीक है इधर तुम्हें कौन नहीं मिले, तुम्हें जाको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो कर बोले। हमें एक्चुअली पुलिस स्टेशन को गए और उस साहब को बोली मैं, जरा साहब यहाँ ऐसा ऐसा मैं लड़की हमारी एक साल बाद बात नहीं करी मैं सर, जरा मुझे फ़ोन लगा को दे, मैं बात करके यहाँ से जाता हूँ। कहीं मैं उस साहब ठीक करके फ़ोन लगाए, लगाए तो उस साहब का भी फ़ोन नहीं उठाया, नहीं उठाने के बाद मैंने क्या बोले, किसका भी फ़ोन रहे तो लगाओ घर वाले का। कभी उसकी माँ का फ़ोन लगाए तो माँ उठी और माँ बोली कि हमें वहाँ नहीं आए, मुमरा में है, इधर आओ सानिया हाल के पास। मैंने तो वो छोड़ को बेच के गई वहाँ से मुमरा गई, पाँच महीने में जाकर उधर मुमरा में, मैं मुमरा गए, गए तो उन्होंने हमने बुलाए अच्छे से बिठाए, बेटा को बोलने लगे, उसकी बच्ची भी आपको हमारे पास बैठी है, अच्छी बात करी, मम्मी की तरह करने में मेरी मम्मा मुझे छोड़ के दूसरा मुमरा चले गई करके ऐसा बोली बच्चा। अच्छा बोले मैं, बाद में सास को बोली मैं, उसके सानिया को बुलाओ, कहीं मैं चुप रही हुआ कुछ बोली नहीं आया। तो बाद में उसका मरद आपको बोलने लगा कि नहीं है सानिया ऐसा करी वैसे करी, क्या करी उसे बुलाओ, हम उसे ताकि देंगे ऐसा की करी, नहीं है वो तेरह महीने चले गई कल को, ऐसा बोला एकदम से। मन में हमारे दामाद बोले ऐसा कर सकी वो, हम तो शरीफ लोग हैं ऐसा नहीं करती वो, बुला उसको ताकीद देंगे हमें। कल मैं गई तू कंप्लेंट की नहीं करा, नहीं करा मुझे क्या गरज है, वो अपने आप कपड़े भरी और चली गई। तेरह महीने से गायब थी, कंप्लेंट नहीं दर्ज हुई थी। नहीं था कंप्लेंट नहीं करा कि नहीं कंप्लेंट करी, मुझे गरज नहीं क्यों कंप्लेंट करूँ मैं, वो अपने आप चली गई कर बोलने लगा। तो बोलते हमला तो क्यों नहीं बताया कर, मैं क्यों बताऊँ मई कर कैसा बोला, ठीक है क्या हमें बोले थोड़ा उसका हमारा अच्छा अच्छा मन में भार पड़े। मन में लोग क्या बोलने लगे, इन्हें ऐसा नहीं समझते ये लोग बहुत ये लग रहे, तुम्हें जाको कंप्लीट करो कर बोले। मैं बोले उसे भी भेजो कंप्लीट करने, तो हमें कंप्लीट देने को मुमरा पुलिस स्टेशन में गए। उन्होंने क्या बोले यहाँ तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता, एक्चुअली पुलिस स्टेशन को जाओ, और इन्हें से मेंटल आती हो मेंटल आती को सर्टिफिकेट आने का। तो वो बोले ये सरकार है तो कंप्लीट की नहीं है पहला कल को चल रहा है। मन में हमें गए कंप्लीट देने, उस दिन इतवार का दिन था, हमें कंप्लीट देने गए। मन में वो हमारे पीछे पीछे नहीं आया कंप्लीट देने को, लेने आया वो हमें कंप्लीट दे। तो उन्होंने क्या करे एक थोड़ी चंद बातें निकाली, रात हुई थी तो मैं सुबह आओ साहब आते ही बड़े साहब आते ही बात करी यार को। मन में हमें वैसे निकले साढ़े बारह हुए थे, निकल को हमें लाचर को सोए, बाद में सुबह गए हमें जागो बैठे, तो भी नहीं दिन पूरा नहीं आया, पूरा दिन नहीं आया, रात में आया, रात में आया तो रात में कंप्लीट हुआ मेरा कंप्लीट निकालिए। बाद में ऐसा उन्होंने क्या बोले हम ना उधर जाने बोले किरण ब्रांच को जाओ बोले, हाँ वहाँ जाने को बोले, वहाँ जाओ को एक बॉडी है देखो तुम्हारा क्या पहचान लगती है देखो कर बोले। बाद में हमें वहाँ गए, गए तो हमने जरा मिलता जुलता लग रहा था, मगर हमें भी कैसा बोलना हमारी बच्चे को,
हमने कुछ मालूम नहीं और हमने बहुत अफसोस हुआ बहुत हमने ये हुआ एकदम पहले से हमने 13 महीने से नहीं करने में हमने बहुत तकलीफ हो रही थी और ये देखने के बाद में हमने एकदम हमने ये हुआ हमें कैसा बोलूँ मेरी बच्ची को क्योंकि हमने दिल में हुआ हमारे शक फिर सानिया रहेंगे को पूरा शक हुआ उसके हाथ पैर से उसके बदन से थोड़ा हमें शक हुआ फिर भी हमें नहीं बताए कि बोले तो मेरी बच्ची को मैं ऐसा कैसा बोलूँ कर बोल को नहीं रहेंगे ना मेरा बच्चा ऐसा नहीं बना कर को मैं दुआ करते रहे बाद में उसकी बेटी का लिनेज में अच्छा करे तो वो सही निकला और उसके नाखून उसकी मेहंदी सब सही थी ऐसे तो कपड़े की भी पहचान थी अपना बीवी हमें नहीं बोले तो बाद में सब सही निकला वो निकलने के बाद में पूरा उसका पर्दाफाश हुआ और वो कातिल भी पकड़ेगा तो शुरुआत में नहीं मान रहा था नहीं मान रहा था वो शुरुआत में नहीं मान रहा था वो तो बाद में उसको पुलिस ने उससे बहुत तंग करने के बाद में माना कि वो मैं अकेला करूँ बिल्कुल बाद में थोड़ी देर में उसके बाप का नाम बताया भौने का नाम बताया भाई का नाम बताया ऐसा करते करते 4 आदमी आए अभी 4 आदमी वो मौजूद आए था उधर पूरे 4 लोगों को गिरफ्तार किए आप खाला हैं और आप इस मुकदमे के बारे में जिस तरह से जो एक एक घिनौनी हरकत इस तरह की शायद ही तारीख में इस तरह का कभी कत्ल किसी ने नहीं देखा होगा लेकिन इस तरह से वो भी बेलगाम की लड़की बम्बई जाती है वहाँ पर ब्याह दिया जाता है फिर वहाँ पर उसके साथ इस तरह का मामला पेश आता है तो आपने क्या क्या देखा आप इसमें आपको कितना इल्म है इस तरह मैं वहाँ गई जब से मुझे जाने के साथ ही वो आसिफ ने गुनाह अपना कबूल किया हुआ था फिर उसके बाद उसका भाई उसका बाप और उसका भाई बहन का जो आदमी है वो गिरफ्तार हो गया उसका बहन का आदमी उसको सपोर्ट करने के बाद वो दूसरे गांव में छुपा हुआ था उसके लिए पुलिस लोगों ने बहुत मेहनत की और वो उसको ढूंढ के लाए वहाँ से तो जब मैंने ये सब देखा तो हमारा एकदम संतुलन खो गया ऐसा हमारे बच्ची के साथ हुआ अब तक तो हम टीवी पर देखते थे ऐसा हमारे घर में हमारी बच्ची के साथ हो रहा है ये हमें अच्छा नहीं लगा सर और हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची को इंसाफ मिले और पुलिस ने और आप मीडिया लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह आप हमें आगे भी सपोर्ट करेंगे और मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी बच्ची के साथ ना हो लड़की का हक है बोलते हैं हिंदुस्तान में लड़की का बहुत ज़्यादा चलता है तो ये क्या मिल रहा है लड़की को सही इंसाफ नहीं मिल रहा है लड़की को हर वक्त डर के रहना पड़ रहा है सानिया जो ये हादसा जिस तरह से पेश आया वाकई ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया तो है ही लिहाजा आज शेर अली जो सानिया के मामू हैं आप तो वहाँ पर गए भी थे कई बार भी आपका जाना भी हुआ तो आपको कभी इस तरह से शक हुआ कि कुछ हाथ हुआ है अनहोनी हो चुकी है ऐसा कभी शक हुआ क्या आपने क्या देखा वहाँ पर सर जब से जुलाई के महीने में मैं गया था सर उधर 2-3 महीने पीछे उधर से मैं फ़ोन लगाया मैसेज डाला जहाँ को मिलने की कोशिश कराया मुमरा तक मैं गया सर जहाँ शादी हॉल है उधर तक उसके आगे मुझे भी कुछ समझा नहीं सर कैसा जाना क्या जाना नहीं समझने के बाद मैं वापस आया आ को इधर बेलगाम से मैं फ़ोन भी लगाया उसे भी मेरे कलीग के मोबाइल से तब फ़ोन उठा को बोला किससे बात करनी है आपको पूछा मैं बोला आसिफ मैं बोल रहा हूँ शेर अली आप किधर है तो नहीं रॉन्ग नंबर करके कट करके छोड़ा फ़ोन जब अचोला पुलिस स्टेशन में अचोल अम्मी भाईजान जब मेरे को फ़ोन लगा को बोले अरे 13 महीने से मिसिंग है उन्हें और इन्हें कंप्लेंट भी नहीं करा गए तो निकल बोल को तो संडे की रात में निकला निकलने के बाद जाने के बाद सब मालूम जैसे ही मालूम पड़ा ये सब वारदात हुई बोल को तो वसई विरार पुलिस स्टेशन में बॉडी मिली थी सर वहाँ तैनात हुई थी बॉडी कुछ बाइकोला बीच ऐसा कुछ नाम है वो बीच का तो वो बीच से निकाल को उन्होंने 3 महीने में बॉडी डिस्पोज भी करे थे सर डिस्पोज करने के बाद हमें बहुत कोशिश कर रहे कि हमारी बच्ची को देखना करना तो वो तो हुआ नहीं और कुछ बातें ऐसी सर डिपार्टमेंट से जो मुझे मैं अंदर जाकर बैठ को साहब से पूछा बात करा उनसे मैं मेरे घर वालों को बता भी नहीं सकता सर अभी वो कैसी मौत मारे से उसे उसकी बॉडी क्या हुई कैसा दफना है नहीं हमें नहीं बताया सर मुझे मालूम है मेरे भाईजान को मालूम है लेकिन हमें वो बात छपाएं अभी मैं बोलते भी नहीं किससे
जिस तरह से लेकिन मर्डर हुए सर, यो कातिल इन्हो अटकना, हमारा सिर्फ ये है इनको बेल नहीं मिलना और इन्हो उनको फांसी से मिलना सर, इनको वट्टी इनको उम्र कैद भी, इनकी सजा उम्र कैद भी नहीं सर, इनकी सजा फांसी चाहे, फांसी देना इनको। मुंबई पुलिस हमारे को बहुत हेल्प करी सर, बहुत हेल्प करी, मैं तहे दिल से गुजर शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। लेकिन फिर भी एक दिल में हमारी खटका है, कुछ भी उन्हों पैसे वगैरह खा को या कुछ ये कर को बाहर नहीं आना, उन्हों को खाली फांसी मिलना सर। बहुत बुरी तरह से मारे सर, बहुत बुरी तरह से मारे, नहीं एक्सप्लेन कर सकते सर किसके भी सामने। माँ बाप नहीं सो बच्ची है सर, उसके बड़े बाप के पास पली है बड़ी है, और हम एक बहुत कोशिश करे बच्ची से बात करना करना, हमारे से बात नहीं हुई। अगर थोड़ा भी हमने क्लू मिलता था सर कि उसे उतनी तकलीफ हो रही तो हमें उसे नहीं रखते थे वहाँ, हमें ले आते थे हमारे बच्ची को, तलाक दिया तो भी चलता था हमारे बच्ची को नहीं, हमें नहीं रखते थे सर वहाँ। उसके बड़े बाप और उसके उन लोगों की सर बहुत बड़ी गलती है और हमारी भी गलती है, हमें भी जल्दी जाने का था। अम्मी के कैंसर के ऑपरेशन के बाद हमें टाइम नहीं मिला जाने का, तो अभी भी नहीं गई, हमारी भी गलती है। लेकिन 13 महीने बहुत हुए थे सर, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं सर, उन्होंने बहुत प्लानिंग कर को मार रहे हैं उनको सर, उनको बट फांसी होना सर, उन्होंने बचना नहीं, हमारी बच्ची को इंसाफ होना हमना बस जी। उसकी एक बच्ची भी है 4 साल की, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्ची को हमें हमारे पास ले गएंगे, हमें रख लेते हैं उससे, हमें पालते हैं, हमें हमारा हक है, हमारी बच्ची उसके बच्चे को भी हमारी बच्ची समझ कर मैं रखते हैं। तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी बच्ची को जान भी देते हैं, लोग बहुत जाहिल आए तो उनसे थोड़ा तहतीकात अच्छी करके अपनी बच्ची को जान भी देते हैं, अच्छे जगह देना, वो खुश रहना और अच्छी सलाहित मिलना, अपने करीब वालों में पहचान वालों में अच्छी तहतीकात करके देना, ये मेरी गुजारिश है सबसे।